हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थिंकिंग और इमेजरी की। जब हमने डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़े थे तो उनमें से एक डोमेन था थिंकिंग। तो थिंकिंग जो है उसके बारे में कहा जाता है, थिंकिंग इज़ द क्राउन ज्वेल ऑफ कॉग्निशन। मतलब जैसे ताज में हीरा जड़ा होता है, उस हीरे की तरह जो है थिंकिंग होती है। और इमेजरी का मतलब होता है चित्रण या चित्र, और थिंकिंग चिंतन। तो अब ये चिंतन क्या होता है, कैसे होता है, चित्रण क्या होता है, इनका आपस में क्या संबंध है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है थिंकिंग को समझते हैं कि थिंकिंग क्या चीज़ है। तो थिंकिंग जो है सबसे पहली बात है, ये है कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ये एक संज्ञानात्मक क्रिया है। तो जो कॉग्निशन के बिना थिंकिंग नहीं हो सकती है, जो थिंकिंग है वो कॉग्निशन का एक हिस्सा है। दूसरी बात, जो थिंकिंग है वो कुछ हासिल करने के लिए की जाती है। कोई हम नतीजा चाहते हैं, कुछ हम अंत में पाना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई समाधान भी, सॉल्यूशन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन जब हमें कुछ चाहिए होता है तभी जो है हम थिंकिंग कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो है थिंकिंग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। जब आप कोई भी समस्या को सुलझाते हैं तो आपको थिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना थिंकिंग के आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है। बिहेवियर हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता, साइकोलॉजिकल भी होता है। जो आपके मन में विचार आते हैं वो भी बिहेवियर के ही पार्ट हैं, विजिबल नहीं है, बस इतनी सी बात है। फिर चौथी चीज़ जो है थिंकिंग जो है वो मेंटल एक्सप्लोरेशन है। मेंटल मतलब मानसिक, एक्सप्लोरेशन मतलब अन्वेषण, जैसे आप कह सकते हैं जाँच पड़ताल करना, परखना, ये सब। ये मोटर एक्सप्लोरेशन है, मोटर मतलब फिजिकल, फिजिकल नहीं है, ये मेंटल एक्सप्लोरेशन है। फिर अगली चीज़ थिंकिंग के बारे में, ये थिंकिंग जो हम करते हैं ये कोई भी साइन, सिंबल या मेंटल इमेज हो सकते हैं। साइन जैसे आप ट्रैफिक के चौराहे पे पहुँचे और वहाँ पे रेड लाइट है, तो वहाँ पे रेड लाइट का साइन है, मतलब गाड़ी रोकनी है, ये साइन हो गया। सिंबल भी हो सकता है, जैसे आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई सिंबल लगा होता है, उस सिंबल से हमें पता लग जाता है कि ये किस रिलीजन का प्रार्थना स्थल है। या जैसे कोई पुलिस की वर्दी में है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि ये पुलिस वाला है, अथॉरिटी है इसकी, हमको रोक सकता है, हमको जो कहेगा कानूनी तौर पर वो हमें करना होगा। या कोई मेंटल इमेजेस हो सकती है, जैसे मैंने बोला कि एप्पल, तो एप्पल की इमेज आपके दिमाग में आ गई। तो थिंकिंग में इन सब चीज़ों का भी यूज़ होता है, साइंस, सिंबल्स और मेंटल इमेजेस। और अगली चीज़ जो है वो है कि थिंकिंग बहुत तेज़ी से जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि कहते हैं जहाँ ना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तो हमारी जो थिंकिंग जो है वो, आप अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और हो सकता है अगले सेकंड जो है आप अमेरिका की कोई बात सुनने लग जाएं, फिर वो अपने जो है किसी फ्रेंड के बारे में सोचने लग जाएं। तो ये बहुत रैपिडली जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शिफ्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, थिंकिंग की एक खासियत ये भी है। फिर अब थिंकिंग कितने तरह की होती है ये हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये परसेप्चुअल या कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल मतलब जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए जो हमको स्टिमुलस मिलते हैं उसके बेसिस पे जो हम चिंतन करते हैं, उसके बेसिस पे जो हम थिंकिंग करते हैं, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड के, भौतिक दुनिया के बारे में। वो कुछ भी हो सकता है, साउंड हो सकती है, वो स्मेल हो सकती है, वो कोई प्रेशर या टच की फीलिंग हो सकती है, कोई चीज़ दिखाई दे गई वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो आप जब चिंतन करते हैं तो वो परसेप्चुअल या कंक्रीट थिंकिंग होगी। सो ये जो है कंक्रीट थिंकिंग या परसेप्चुअल थिंकिंग सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। अगली है
एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का मतलब वो चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो कि हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कल, कल के बारे में सोचो। अब कल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कल क्या है। तो कल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई। इमोशंस जो हैं, जितने भी इमोशन हैं, खुशी है, दुख है, कोई भी इमोशन, गुस्सा है, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप अंदर फील कर रहे हैं लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा, या आप किसी को दिखा नहीं सकते, देखो ये रहा मेरा इमोशन। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, नंबर्स हैं। नंबर्स कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ हैं कि नंबर जो है 1, 2, 3, ये एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है बढ़ेगा, कैसे घटेगा, ये फिजिकल चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ कॉन्सेप्चुअल थिंग। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है जहाँ पे हम कॉन्क्रीट चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है उसमें जिसे कहते हैं ना आत्ममनन करना, चिंतन करना, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वो होती है। वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर थॉट्स और आइडियाज़, वी थिंक अबाउट आवर आइडियाज़ एंड वेरियस थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन आवर हेड एंड देन फॉर्म ए डिसीजन और टेक ए डिसीजन। तो ये जो आत्मचिंतन, आत्ममनन करके जो है जो हम करते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। फिर होती है क्रिएटिव थिंकिंग, इसको आगे हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं सृजनात्मक चिंतन। तो इसमें जो है आप कोई चीज़ जो है नई क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि पहले से नहीं होती है, और दूसरी बात वो यूज़फुल होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उसमें, इट शुड बी नोवल, एंड सेकेंड थिंग इट शुड बी यूज़फुल, वो उपयोगी भी होनी चाहिए उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं। ये दो चीज़ें नेसेसरी है क्रिएटिव थिंकिंग में, नोवल्टी एंड यूजफुलनेस इन द सिचुएशन। पांचवा जो है नॉन डायरेक्टेड और एसोसिएटेड थिंकिंग। ये इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं सोच रहे होते हैं, हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाते हैं, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ पे जाते हैं, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़ पे जाते हैं, कनेक्शन बैठाते चले जाते हैं। तो ये जो है नॉन डायरेक्टेड होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरी जो है कार जो है, आपको उसका नंबर पता है, उसका कलर पता है, तो आपने जो है वो मेरी कार वहाँ खड़ी देखी। अब ये तो केवल एक स्टिमुलस हुआ और आपके दिमाग में आया ये मेरी कार है, लेकिन फिर इससे आपने दूसरी चीज़ जोड़ी, कार है तो हमारे सर भी होंगे यहाँ पे, फिर जो है यहाँ पे सर भी होंगे, फिर आसपास आपने देखा यहाँ पे तो जो है एक ही जगह है जहाँ पे हो सकते हैं, और कोई है ही नहीं जगह, तो वहाँ ही पे हो सकता हूँ मैं अगर यहाँ पे नहीं हूँ तो आप फिर वहाँ जाके मुझे ढूंढ लेंगे। तो ये आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे गए और आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, या जो हासिल करना चाहते कर लिया। तो जब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे ऐसे चीज़ें करते हैं, इसको नॉन डायरेक्टेड एसोसिएटेड थिंकिंग कहते हैं। सो ये जो है नॉन डायरेक्टेड एसोसिएटेड थिंकिंग जो है कभी कभी दिमाग को जो है यूज़लेस डायरेक्शन में भी ले जाती है। आप जिस तरह से एक लॉजिकली चले, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे अचानक जो है कोई अनरिलेटेड बातें भी कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे आपने जो है अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अचानक ध्यान है अरे उसकी तो बहन की शादी है, फिर जो है शादी का ध्यान है अरे मैंने वो कपड़े सिलने दिए हुए शादी में पहनने के लिए, फिर कपड़े सिलने ध्यान है अरे मैंने तो अभी पापा से पैसे मांगने हैं। तो ये जो है कोई पर्पसफुल नहीं हुआ, एक बात से दूसरी, तीसरी से चौथी, और फिर जो है पहुंच गए। तो अगर ये एक किसी पर्टिकुलर पर्पसफुली की जा रही है, लॉजिकली की जा रही है, तो फिर ये बहुत काम की होती है। फिर होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्ज का इंग्लिश में मतलब होता है कोई चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो हम कहेंगे कि कन्वर्ज हो गई। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम कई सारे जो बिंदु होते हैं, कई सारे जो पॉइंट्स होते हैं, कई सारे जो इनपुट्स होते हैं, उनके जरिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहे होते हैं। तो ये थिंकिंग तब इस्तेमाल होती है जब किसी चीज़ का केवल एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है, तब हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट थिंकिंग है। जैसे मैं बोलूं कि 5 = 2+-, अब ये 2+- है, इसका आंसर होना चाहिए 5। तो डैश में क्या आ सकता है, सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है, क्या आएगी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 3।
थ्री के अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है जहाँ पे एक ही करेक्ट आंसर होगा वो उसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं पूछूँ कि आपके घर में कुल मिला के कितने डोर्स हैं, कितने दरवाजे हैं, तो आप जो है एक ही तरीका है, जितने दरवाजे हैं वो गिन लो और उनको जो है टोटल कर लो, तो ये आपको पता चल जाएगा कितने दरवाजे हैं। एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। फिर होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होता है, इसमें कई तरह के जो है आंसर हो सकते हैं और कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कहूँ यहाँ से दिल्ली जाना है, कैसे जाएंगे? कोई कह सकता है कि हवाई जहाज़ से जाएंगे, राइट आंसर है। कोई कहेगा ट्रेन से जाएंगे, वो भी राइट आंसर है। कोई कहेगा बस से जाएंगे, वो भी राइट आंसर है। कोई कहेगा कार से जाएंगे, वो भी राइट आंसर है। कोई कहेगा नहीं नहीं मोटरसाइकिल से जाएंगे, वो भी राइट आंसर है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में मल्टीपल आंसर्स होंगे और सभी सही होंगे, कोई जो है गलत हम नहीं कह सकते हैं। तो कई जगह जो है हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कोई प्रॉब्लम्स जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग से सॉल्व होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स की हैं, फिजिक्स की है, साइंस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से सॉल्व होती हैं। और जो आर्टिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या क्रिएटिविटी की जो चीज़ें हैं वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत लगती है। इसके बारे में आगे हम जब क्रिएटिविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे और आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। फिर अब जो है एक चीज़ होती है रीजनिंग, यानी कि तर्क करना। तो रीजनिंग जो है वो भी थिंकिंग से रिलेटेड है, कि जब हम बहुत बारीक सा फ़र्क है रीजनिंग और थिंकिंग में। जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें लगभग सारी वही चीज़ें हो रही होती हैं जो थिंकिंग में होती हैं। तो रीजनिंग को जो है हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब जब हम रीजनिंग करते हैं तो ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है थिंकिंग की तरह, पर इससे जो है व्यक्ति का बिहेवियर भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अब उसका लॉजिक्स जो है अगर फिट बैठेगा तभी वो अपना बिहेवियर करेगा, वरना वो अपना वो पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं करेगा। दूसरी चीज़ जो है मैंने आपको बताई कि ये थिंकिंग से मिलती जुलती है, कोई ख़ास फ़र्क है नहीं, सिवाय इसके कि ये लॉजिकल होती है। थिंकिंग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल हो। जैसे मैंने थिंकिंग जब बता रहा था उसमें एक जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग बताई थी कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो उसमें जो है एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला था आगरा से दिल्ली कैसे आएंगे, कोई ये कहेगा हम ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे कि हम खुद ही जो है उड़ के चले जाए बिना हवाई जहाज के। तो अब ये एक क्रिएटिव थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसको गलत नहीं कह सकते, बनाई जा सकती है मशीन, पर ये ज़रूरी नहीं कि लॉजिकल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन रीजनिंग जो है हमेशा लॉजिकल होती है, वो इलॉजिकल कभी नहीं हो सकती है। अगर लॉजिक नहीं है उसमें तो वो रीजनिंग नहीं है। कोई ना कोई उसमें प्रिंसिपल होगा, कोई ना कोई उसमें रूल होगा, तभी वो रीजनिंग होगी। थिंकिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रूल हो। फिर जो है रीजनिंग हमेशा जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाता है, दूसरे से, और एंड में गोल ज़रूरी होता है। थिंकिंग में हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई गोल हो। जैसे आप कोई थिंक कर रहे हैं कि मुझे जो है पढ़ाई में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो अब ये मार्क्स ज़्यादा लाने हैं ये कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है कि कितने परसेंट लाने हैं, बस ज़्यादा लाने हैं। लेकिन जब आप रीजनिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ पे पहुंच रहे होते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। थिंकिंग में कोई ज़रूरी नहीं कि आपका स्टेप वाइज गोल हो, आपका गोल फिक्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। फिर जो थिंकिंग में पर्पस हो सकता है, मैंने बताया था कि ये भी हो सकता है कि पर्पस ना हो, कि जैसे आप अनरिलेटेड चीज़ों को आपस में एक से दूसरे से जोड़ के कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो वो जो है पर्पसलेस थिंकिंग हो गई। लेकिन रीजनिंग जो है हमेशा पर्पसफुल होती है, बिना पर्पस के रीजनिंग हो ही नहीं सकती है। फिर जो रीजनिंग में क्या होता है, जो हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पुराने अनुभव होते हैं, उनको मिला के, उनको जोड़ के, उनके आधार पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमको, यानी कि अगर कम शब्दों में कहें, सो हमें जो ऑलरेडी पता है उसके बेसिस पे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ये रीजनिंग में होता है।
अगली चीज़ जो है रीजनिंग, कितने तरह की होती है। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। तो इनको एक एक करके समझते हैं क्या होता है। इंडक्टिव रीजनिंग में वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड इन डिडक्टिव रीजनिंग वी गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अभी एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। सो पहले इंडक्टिव रीजनिंग लेते हैं, इन्हें बताया कि हम वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब हम कई अलग अलग इंस्टेंसेस या घटनाएं देखेंगे और उनके आधार पे हम जो है एक कोई रूल या प्रिंसिपल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक बच्चा देखा, वो स्कूल जा रहा है और उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। फिर दूसरा बच्चा गया, वो भी स्कूल जा रहा था, उसने भी स्कूल की वही यूनिफॉर्म पहनी थी। मान लीजिए कि वो सफ़ेद शर्ट है और ब्लू पैंट है और ब्लैक शूज़ है। तीसरा आया, उसने भी वो सफ़ेद शर्ट ब्लू पैंट ब्लैक शूज़ पहने हुए। चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, दसवां, ऐसे आपने 10, 20, 50 जितने भी बच्चे थे देखे। तो ये स्पेसिफिक, हर जो बच्चा आपने देखा वो स्पेसिफिक इंस्टेंस हुआ। फिर इसको मिला के आपने एक जनरल रूल बनाया कि भाई इस स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट शर्ट ब्लू पैंट और ब्लैक शूज़ है। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल जो आप पहुँचे, ये इंडक्टिव रीजनिंग हुई। डिडक्टिव रीजनिंग इसका जस्ट उल्टा है, इसमें हमको जनरल रूल पता है तो हम उससे स्पेसिफिक चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे हमको पता है उस स्कूल की यूनिफॉर्म क्या है, कि वाइट शर्ट है, ब्लू पैंट है और ब्लैक शूज़ है। तो अगर कोई हमको बोले उस स्कूल का बच्चा जा रहा है, तो हम बिना देखे बोल देंगे अच्छा उसने वाइट शर्ट पहनी होगी, ब्लू पैंट पहनी होगी और ब्लैक शूज़ पहने होंगे। अनदर एग्जाम्पल डिडक्टिव रीजनिंग का, जैसे हम सबको पता है जनरल रूल ये है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, एनी बडी हु हैज़ टेकन बर्थ विल डाई। तो इसका मतलब है किसी भी मनुष्य के या जानवर के बारे में हमें पता चले कि वो पैदा हुआ है तो हम कह सकते हैं हाँ ये मरेगा, क्योंकि जनरल रूल हमको पता है, जनरल रूल यही है। तो इस स्पेसिफिक केस में भी वही रूल लगेगा, ये भी दिस पर्सन विल ऑल्सो डाई समडे। सो ये हुई डिडक्टिव रीजनिंग। फिर आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये थिंकिंग से और रीजनिंग से हमने अभी बात की थी ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझते हैं। सबसे पहली बात है आपको समझना होगा ये प्रॉब्लम क्या चीज़ है, सॉल्विंग तो बाद में आएगा, प्रॉब्लम क्या चीज़ है। तो प्रॉब्लम जो है कोई सी भी आप अपनी लाइफ की जो है जिसको जिसको आप प्रॉब्लम कहते हैं उठा के देख लीजिए, उसमें जो है सर्टेन चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे वो प्रॉब्लम होती है। सो प्रॉब्लम में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है एक वर्तमान अवस्था या स्थिति, विच इज़ इनिशियल स्टेट, और वो स्थिति से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन हमको चाहिए होती है हो कोई और स्थिति। तो जो स्थिति हमको चाहिए होती है उसको हम कहते हैं गोल स्टेट, यानी कि लक्ष्य वाली अवस्था। वर्तमान स्थिति से लक्ष्य वाली अवस्था पे हम जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। जैसे मान लीजिए आपके अभी 60% मार्क्स आते हैं और आप जो है 95% पे जाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मार्क्स फ्रॉम 60% टू 95%। अब जो है इसके बाद में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जिनको ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो अब ये जो रूल्स क्या होते हैं, आप जो है एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए आपको सेमिनार देना पड़ेगा, आपको अपने डेली होम असाइनमेंट देने पड़ेंगे, आपको सीए में जो है अपीयर होना पड़ेगा, आपको क्लास टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। ऐसे जो भी एग्ज़ाम के जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो हर प्रॉब्लम में एक इनिशियल स्टेट होगी, एक गोल स्टेट होगी, और इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पर जाने के लिए कुछ रूल्स होंगे। और इन चीज़ों को हम कंबाइन जब करते हैं, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट और जो रूल्स और ऑपरेटर जो व्यक्ति है उसमें, इसको मिला के हम कहते हैं प्रॉब्लम स्पेस। सो ये जो है प्रॉब्लम जो है कि डेफिनेशन हुई। तो इसको सॉल्व करने को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहेंगे।
अब जैसे एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ दूसरा, जैसे मान लीजिए किसी का बॉडी वेट है, मान लीजिए 70 kg है, और वो जो है अपना बॉडी वेट जो है 50 kg करना चाहता है। तो इनिशियल स्टेट क्या हुई? 70 kg। गोल स्टेट क्या हुई? 50 kg। अब ये अपने आप तो हो नहीं जाएगा, कुछ रूल्स हैं बॉडी के वेट कम करने के, जैसे कि डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि टाइम से उठना टाइम से सोना पड़ेगा, जैसे कि जंक फूड नहीं खाना होगा, ये सब रूल्स हो गए। सो इन रूल्स के जरिए हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाएंगे, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगली चीज़ है स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं तो उसमें डिफाइन करने में क्या होता है, हमें इनिशियल स्टेट बतानी पड़ेगी जो अभी हमने बात करी, हमें गोल स्टेट बतानी पड़ेगी, हमें रूल्स बताने पड़ेंगे। ये जो है तब प्रॉब्लम मानेंगे कि डिफाइन हुई। जब तक इनिशियल स्टेट नहीं पता है, गोल स्टेट नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है, तो आप प्रॉब्लम डिफाइन नहीं हुई। फिर सेकंड चीज़ आती है जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना, जो भी जैसी भी प्रॉब्लम हो। जैसे एग्ज़ाम के बारे में हम बात एग्ज़ाम्पल दिया था कि मार्क्स जो है हमें 60% से 95% ले जाने हैं, तो हमें पता करना है कि भाई सी टी के कितने मार्क्स, क्लास टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं, क्लास असाइनमेंट के कितने मार्क्स होते हैं, सेमिनार के कितने मार्क्स होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन के कितने होते हैं। हर चीज़ की जो है इन्फॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी, कब कब एग्ज़ाम होते हैं, किसका कितना वेटेज होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता करनी पड़ेंगी, तब जो है हम आगे का स्टेप ले पाएंगे। फिर अगला स्टेप आता है जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हम वो बनाते हैं, कि जैसे एग्ज़ाम की जो भी हम बात कर रहे थे कि ठीक है अब मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जो है देर तक नहीं जगना है, अब मुझे मुझे अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी मेरा टाइम है मैंने पढ़ाई में लगाना है, ये सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं तो मुझे इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मैं लिख के प्रैक्टिस करना होगा मुझे, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी जो है पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो आपने निकालना है, फिर उन सॉल्यूशंस का इवेल्यूशन करना है, मतलब मूल्यांकन करना है। आपने सॉल्यूशन बना लिया, मूल्यांकन करना है हर के क्या उसमें से किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, या कौन सा है करने से ज़्यादा फायदा है, कौन सा करने से कम फायदा है, जिस भी तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है वो किया जाएगा, एवेल्यूशन किया जाएगा। फिर उसमें से जो है अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन सेलेक्ट किया जाएगा कि ये चीज़ें मैं करूँगा या करूँगी। जब आपने इवेल्यूशन कर लिया उसके बाद में डिसीजन होता है। फिर जब आपने जब सेलेक्ट कर लिया फिर उस सॉल्यूशन को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में उस सॉल्यूशन का वेरिफिकेशन करना, यानी कि फिर देखना कि आपकी गोल स्टेट और आपकी इनिशियल स्टेट में कितना अंतर रह गया। जैसे हम वेट लॉस की हमने बात करी थी, तो उसमें जो है हमने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, जल्दी सो जाना है, ये हमने सॉल्यूशन ढूंढा, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। फिर हमने जो है टारगेट रखा था कि हम 3 महीने में 70 kg से 50 kg में आ जाएंगे, तो जब 15 दिन बीत गए तो हमने चेक किया कि भाई हम गोल स्टेट के नज़दीक गए कि नहीं गए। 70 से हमने देखा कि हाँ हमारा वेट जो है 65 आ गया है, इसका मतलब हम गोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे करते रहेंगे हम। और जिस दिन जो है हमारा वेट 70 से 50 kg हो जाएगा तो वेरीफाइड सॉल्यूशन हो गया, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व। और यदि जो है हमारा गोल स्टेट अचीव नहीं होता है तो फिर यही जो है स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से होगी, फिर हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमारे एंड में जो है 55 ही रहा वेट हमारा, 50 नहीं हुआ, तो अब क्या हमारी गोल स्टेट जो है वो 50 kg है, इनिशियल स्टेट अब हो गई हमारी 55 kg। फिर अब जो है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे और क्या किया जा सकता है, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर इवेल्यूशन करेंगे, फिर अब नई स्ट्रेटजी हम लागू करेंगे और फिर जो है वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये स्टेप्स होते हैं।
फिर आता है डिसीजन मेकिंग। तो जो हमने अभी पीछे बात की थी कि हम जब सेलेक्ट करते हैं, कई जो है सॉल्यूशंस होते हैं उसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं एवेल्यूशन के बाद में, तो वो एक डिसीजन हुआ, वो एक निर्णय हुआ। तो अब डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, डिसीजन मेकिंग सबसे पहले होता क्या है ये इसको समझिए। डिसीजन मेकिंग जो है तब कहा जाएगा कि कोई डिसीजन लिया गया जब हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हों, हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइस हों और उसमें से हम एक चॉइस जो है डिसाइड करें, एक से ज़्यादा विकल्प हों उसमें से एक विकल्प का हम सेलेक्ट करें, तब कहा जाएगा कि वो डिसीजन मेकिंग है। अगर केवल एक ही चॉइस है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं हुआ, डिसीजन मेकिंग के लिए एक से ज़्यादा विकल्प होना आवश्यक है। तो अब जो डिसीजन मेकिंग है वो कई तरीके का होता है। अगर हम लीडरशिप की बात करें तो एक कर्ट लेविन ने जो है बोला था कि जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप यानी कि जो जैसे जो भी नेतृत्व कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं का भी, तो इसमें जो है तीन तरह के जो है मेन डिसीजंस लेने के तरीके होते हैं। पहला होता है पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव में मतलब हर एक का जो है हर एक की भागीदारी होगी, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट, अपने अपनी राय बताएंगे और उसके हिसाब से जो है ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर जो है मान लीजिए ये डिसीजन लेना है कि भाई पढ़ाई जो है मातृभाषा में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए या इंग्लिश में होनी चाहिए, तो इसमें जितने भी लोग हैं वो अपने अपनी राय देंगे, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे और ज़्यादातर लोग जो चाहेंगे उस हिसाब से उस लैंग्वेज में हम पढ़ाई करेंगे। तो इसको डेमोक्रेटिक भी कहीं कहीं कहा लिखा मिलेगा आपको, और जो कर्ट लेविन ने जो वर्ड यूज़ किया था वो पार्टिसिपेटिव था, बट इट इज़ ऑल्सो डेमोक्रेटिक। दूसरा होता है डेलीगेटिव। डेलीगेटिव में क्या होता है कि हम ये निर्णय को डेलीगेट कर देते हैं, जैसे ये अभी जो पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया था इसमें जो है हमने हर स्टेट को ये बोल दिया भाई ये पढ़ाई का सिलेबस ये है, अब आपकी मर्जी है आप इसको किस भाषा में पढ़ाना चाहें, अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहें उसमें पढ़ाई है और किसी भी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं उसमें पढ़ाई है, आपका निर्णय है। तो इसको जो है हमने डेलीगेट कर दिया, निर्णय को खुद नहीं लिया, दूसरे को बोला कि आप ले लीजिए निर्णय। तो इसको जो है आपको कहीं कहीं लेसे फेयर भी मिलेगा, इसको लेसे फेयर डिसीजन भी कहते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तीसरा होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में जो है ना किसी से पूछा जाता है ना किसी को कोई छूट दी जाती है, बस ये बोल दिया है आपको ये करना है, नो चॉइस। तो इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग इस जो है जिसने लिया है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जी से चॉइस करता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर और भी तरीके से कहा जा सकता है, डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव में जो है व्यक्ति जो है बता रहा होता है कि कैसे करना है, तो इसमें एकदम सिंपल और क्लियर सॉल्यूशंस होते हैं, डिसीजन तुरंत हो जाता है क्योंकि कोई बताने वाला होता है और पूछना किसी से होता नहीं है, इसलिए कोई ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा विचार किए नहीं जाते हैं, और नॉर्मली जो है ऑलरेडी जो चीज़ें जैसे काम बन रहा होता है वैसे ही चल रहा होता है और वैसे ही जो है डिसीजन लिया जाता है, ऐसा हमेशा किया है तो अभी भी ऐसा कर लो, इस टाइप से नॉर्मली होता है। तो डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऐसी होगी। फिर एक होती है एनालिटिक। एनालिटिक वहाँ पे डिसीजन होती है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम होती हैं, जटिल समस्याएं जहाँ होती हैं, तो यहाँ पे जो है बहुत ध्यान से जो है जितने भी ऑल्टरनेटिव यानी कि विकल्प हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और इसमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को बड़ा आनंद आ रहा होता है, अच्छा लगता है उसको इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना एनालिटिक वाली को, और वो नए नए तरीके इस्तेमाल करने पर भी राजी होता है। ये नहीं कि बस जैसे डायरेक्टिव में था कि जो ऑलरेडी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से कर दो, नहीं, नया तरीका ढूंढते हैं और कुछ अच्छा हो सकता है क्या। फिर एक होती है कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग। कंसेप्चुअल जो है ये नॉर्मली जो है सामाजिक जब निर्णय लेते हैं होते हैं वहाँ पे होती है कि हमें सोसाइटी को जैसे कैसा बनाना है या हम कैसा इंसान बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिस्टिक और आर्टिस्टिक अप्रोच होती है यानी कि मानवीय और जिसे इसे ना कलाकारों की जिस तरह से जो है अप्रोच करते हैं कि हमें अपने
चित्रण कर रहे हैं ना मानसिक रूप से कि समाज को कैसा बनाना है, तो इसलिए जो है इसमें भी जो है प्रॉब्लम को जो है बड़ी क्रिएटिवली किया जाता है सॉल्व, नए तरीके निकाले जाते हैं और यहाँ पे जो है नए आइडियाज़ को एन्जॉय किया जाता है। फिर एक होती है बिहेवियर मेकिंग, बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ये जो है संस्थागत लेवल पे नॉर्मली लिया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर ध्यान में रखना होता है कि ये जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है फ़ायदा होना चाहिए, और इसमें जो है दूसरों को हेल्प करने की इच्छा होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर उसके लोगों को हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पर सजेशन हमेशा लिए जाते हैं कि किसी को सजेशन है तो दिया सकता है ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए, और इसमें मीटिंग करके जो है निर्णय नॉर्मली लिए जाते हैं सर, जो भी पदाधिकारी हैं जो भी उसमें मैनेजर्स हैं या इवन एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी मीटिंग कर सकते हैं और उसके आधार पे फिर निर्णय लिया जाता है। तो ये बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग स्टाइल हुआ। तो अगर हम इन चारों डिसीजन मेकिंग स्टाइल को कंपेयर करें दो पैमानों पे, एक तो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग में एक एक्सट्रीम हो गया रैशनल, रैशनल मतलब तर्क वाला जो कि एक्स एक्सिस पे है, और दूसरा एक्सट्रीम जो है एक्स एक्सिस पे हो गया इंट्यूटिव, इंट्यूटिव मतलब बिल्कुल अंदर से विचार आया जैसे अचानक जो है जैसे कहते हैं ना कि अंदर से मुझे फीलिंग हुई कि ऐसा करना चाहिए। तो एक एक्सट्रीम पे लॉजिक है तर्क है और दूसरी एक्सट्रीम पे जो इंट्यूशन है गट फीलिंग है, और वाई एक्सिस में जो है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब हुआ शक शुबह या इसे आप कि क्लैरिटी नहीं होना, उसको एम्बिग्यूटी कहते हैं, जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो हम कहते हैं कि एम्बिगुअस है, ये एम्बिग्यूटी है। तो जो डायरेक्टिव थिंकिंग होती है उसमें जो है जो एम्बिग्यूटी है वो ना के बराबर होती है और बिल्कुल रैशनली वो ली जा रही होती है क्योंकि वो इस वाले एंड में है, एक्स एक्सिस वाले एंड में है। और जो एनालिटिक थिंकिंग होती है क्योंकि उसमें जो है क्रिएटिविटी वाले विचारों को लिया जाता है तो उसमें एम्बिग्यूटी हो सकती है कि हाँ आइडिया तो ठीक है लेकिन कैसे होगा, लेकिन तर्कपूर्ण उसमें चल रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं ऑप्शंस को। कंसेप्चुअल वाली जो होती है वो दोनों ही चीज़ों में लो होती है, उसमें रैशनैलिटी होती नहीं क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं जैसे समाज कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उसमें जो हमारी जो गट फीलिंग होती है उस पर हम चल रहे होते हैं और बहुत सारे जो है डाउट्स के उसमें स्कोप होते हैं। और जो बिहेवियर वाली जो चीज़ होती है उसमें जो है एम्बिग्यूटी लो होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए करना है तो उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है वो अच्छी है ही नहीं, और लेकिन उसमें भी हम जो है क्योंकि विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो लोगों के विचार आ रहे होते हैं तो इंट्यूटिव उसमें भी होता है। अब आते हैं क्रिएटिव थिंकिंग पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएटिव थिंकिंग में दो चीज़ें होना आवश्यक है, टू थिंग्स आर नेसेसरी। पहली चीज़ है इनोवेटिव आइडिया, मतलब कि कोई नवीनता होनी चाहिए विचार में, देर शुड बी नोवल्टी इन आइडिया, और दूसरी चीज़ यूजफुल फॉर सिचुएशन। जिस भी पर्टिकुलर स्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए हम थिंकिंग कर रहे हैं वो उसके लिए यूजफुल भी होनी चाहिए, ये नहीं कि खाली जो इनोवेटिव तो है लेकिन यूजफुल नहीं है तो कोई वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हुई। तो इनोवेटिव भी हो और यूजफुल भी हो तब जो है हम कहेंगे कि वो क्रिएटिव थिंकिंग है। अब क्रिएटिव थिंकिंग के जो है चार स्टेप्स होते हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन वाली स्टेज में हम क्या कर रहे होते हैं कि जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो हमें सॉल्व करनी है उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, हम किसी इन्फॉर्मेशन के लिए मना नहीं करते हैं कि ये मत बताओ हमें, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम सब लेंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो भी हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। फिर जब हमने वो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले ली जितनी भी पॉसिबल थी, अब फिर स्टार्ट होता है वहाँ से इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कहते इंक्यूबेशन का मतलब समझिए, ऐसा समझिए कि कोई चीज़ है तो पर हमको दिखाई नहीं दे रही है और वो कुछ समय बाद दिखाई देगी, तो वो आ तो गई है
लेकिन दिख नहीं रही है, तो इस पीरियड को इंक्यूबेशन कहेंगे। जैसे कि जैसे मुर्गी ने अंडा दिया मान लीजिए, अब अंडा देने के बाद में मुर्गी जो है अंडे के ऊपर बैठ के उसको सेती है, तो वो जो जितने पीरियड सेगी उसके कुछ पीरियड बाद फिर अंडे से बच्चा निकलेगा। तो अंडा देने के बाद में अंडे से बच्चा निकलने के बीच का जो पीरियड है उसे इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन ली और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में जब सॉल्यूशन निकलेगा उसके बीच का जो समय है वो इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इस दौरान हमारे दिमाग में जो हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं, और जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, और जो यूज़लेस होती है उनको डिस्कार्ड या रिजेक्ट किया, उसको अस्वीकृत कर रहा होता है। फिर होता यह है कि अचानक जो है हमारे दिमाग में कई बार बिजली की तरह, कहते हैं ना, विचार कौन था, सडनली आइडिया आया, वो पॉइंट जब तुम्हें सॉल्यूशन अचानक से आया निकल के, उसे कहते हैं इल्यूमिनेशन। ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हिस्ट्री में भी हैं, साइंस में भी हैं। जैसे आर्कमिडीज़ का अगर आपने नाम सुना हो, तो आर्कमिडीज़ जो एक साइंटिस्ट था, वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि जब पानी में कोई चीज़ जाती है तो उसका वज़न कम क्यों हो जाता है। जैसे आप लोग पानी में कभी गए हों स्विमिंग पूल वगैरह में, तो घुसते ही आपको लगता है कि आपका जैसा वेट कम हो गया, तो इसका क्या रीज़न है। तो ये उसको जो है सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा था, जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन थी वो ले चुका था। फिर वो अपने बाथ टब में नहाने का, जब पानी भर के जिसमें नहाते हैं लेट के, उसमें जैसे ही लेटा तो वो पानी जो है लबालब भरा हुआ था बाथ टब में, तो जब वो अंदर घुसा तो जो पानी थोड़ा सा बाहर गिरा, बस उसके दिमाग में तुरंत जो है वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया कि पानी में जाते ही वेट क्यों कम होता है। तो वो एकदम बाथ टब से जो है निकल के बाहर भागा गली में, अपने सड़क पे यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ। यूरेका जो है ग्रीक में कहते हैं, मीनिंग जो यूरेका का होता है, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट, मतलब मुझे मिल गया। तो सॉल्यूशन उसको मिल गया था कि जो जितना पानी डिस्प्लेस होता है, जितना पानी हटता है किसी वस्तु के आने पे, उतना जो है उस वस्तु का वेट कम हो जाता है। तो उसकी जब बॉडी अंदर गई तो पानी जो है बाहर निकल गया बॉडी के आने से, तो जो जितना पानी बाहर गया तो उसको आइडिया, अच्छा इतना मेरा वेट इसलिए कम हुआ होगा। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्टों को ऐसे एल्यूमिनेशन हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो सब मिलने तक प्रिपरेशन रही, आइडिया जब आ गया वो एल्यूमिनेशन हुआ, और एल्यूमिनेशन और प्रिपरेशन के बीच में जो टाइम था वो इनक्यूबेशन हो गया। फिर होता है वेरिफिकेशन, फिर जो आइडिया है उसको हम फिर जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या यही है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने एग्जाम्पल दिया, जो पानी निकला उसको उसका वेट लिया, और जो चीज़ है उसको पानी में डालने के बाद में उसका वेट कितना है वो तोला, तो वो दोनों जो कम हुआ वेट और जो पानी निकला वो बराबर है, इसका मतलब सही है प्रिंसिपल हमारा, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से जो है क्रिएटिव थिंकिंग का साइकिल पूरा होता है, और अगर वो वेरिफिकेशन में चीज़ नहीं होती तो फिर से वही प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, एल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक वो सॉल्यूशन पूरा ना निकल आए। फिर अब जो क्रिएटिव थिंकिंग है इसको टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें से जो सबसे पॉपुलर टेस्ट है वो है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो है एलिस पॉल टॉरेंस ने बनाया था। अब जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि थिंकिंग कई तरह की थी, उसमें से एक हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ा था। कन्वर्जेंट मतलब एक ही सही सॉल्यूशन हो सकता है, डाइवर्जेंट में कई भी कितने भी तरह के हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पेड़ बनाओ, तो पेड़ बहुत तरीके से बन सकता है, कोई ज़रूरी कि एक ही तरीके से बने। तो जो पेड़ की ड्राइंग है वह अलग तरीके से कई बना सकता है, एक ही इंसान कई तरीके से बना सकता है। तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का जो हम टेस्ट करते हैं, तो हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्जेंट को नहीं कर रहे होते हैं। तो एलिस पॉल टॉरेंस ने बनाया था ये, और ये बनाया इसने, इसका बेसिस क्या था, जो जेपी गिलफोर्ड थे उन्होंने जो ऑलरेडी काम किया हुआ था क्रिएटिविटी पे, उन्होंने भी एक टेस्ट बनाया था, उसके बेसिस पे एलिस पॉल टॉरेंस ने अपना ये टेस्ट बनाया था। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं वो एक एक करके करते हैं।
सबसे पहले चेक की जाती फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में हम ये चेक करते हैं कि वो कितने आइडियाज़ देता है किसी सॉल्यूशन के। जैसे अभी मैंने बोला था कि जो है हमने ये सॉल्यूशन निकालना है कि दिल्ली से आगरा जाना है, तो अब वो ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, हवाई जहाज़ से जाएंगे, खुद ऐसी मशीन बनाएंगे कि हम खुद ही उड़ के चले जाएं। तो ये सारे जो आइडियाज़ अलग अलग हुए, ये नंबर्स कितने हुए, ये फ्लुएंसी को डिसाइड करेगा। तो कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइडियाज़ वो दे पा रहा है कोई व्यक्ति, ये उसकी फ्लुएंसी बताएगी हमको। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है उसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम कैटेगरी वाइज देखते हैं। जैसे अगर जो है हम कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप से जो है हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन निकालें, कि जैसे किसी को पढ़ने के लिए कैसे जो है मनाया जाए। अगर जो है खाली हम उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पनिशमेंट दे के जो है उसको पढ़ने के लिए हम सोचने के मजबूर कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक ही कैटेगरी हुई। लेकिन हम कहें कि उसको जो है हम रिवॉर्ड भी देंगे, हम उसको जो है हेल्प भी करेंगे, हम उसके साथ में ऐसा स्टूडेंट लगाएंगे जो पढ़ने में अच्छा हो, हम उसको एक्स्ट्रा क्लास भी देंगे, हम उससे पूछेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। तो ये जो है हम कितने कैटेगरीज के जो है सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी बताती है। एक ही तरह के भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा हो सकता है। जैसे अभी हमने जो दिल्ली जाने वाले सॉल्यूशन की बात की, उसमें सब जो है कोई ना कोई हम व्हीकल यूज़ कर रहे थे, तो वो टाइप सबका एक ही हो गया, तो वो उसमें जो है इनोवेटिवनेस नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सॉल्यूशन कि हम खुद ही ऐसी मशीन बनाएंगे उड़ के चले जाएंगे, उसमें जो है वो अलग कैटेगरी हो गई थी। बाकी ट्रेन है, चाहे बस है, या एरोप्लेन है, मोटरसाइकिल है, ये सब टाइप एक ही है, नंबर जरूर है, टाइप लेकिन एक ही है। फिर आती है ओरिजिनलिटी, कि नवीनता कितनी है विचार में, वो अगली चीज़ जो है इसमें चेक की जाती है। जैसे अभी दिल्ली वाला जो एग्जाम्पल दिया था, उसमें उसमें जो है नोवेल्टी वाला आइडिया कौन सा था, कि जो हम खुद ऐसी मशीन बनाएंगे कि हम उड़ के चले जाएंगे, ये आइडिया जो है नया है। पॉसिबल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आइडिया नया है। तो इस तरह से जो है नोवेल्टी भी होनी चाहिए आइडिया में। हमने बात की थी क्रिएटिविटी में नोवेल्टी होना ज़रूरी है। अगर कोई आइडिया पहले से सबको पता है वही आइडिया हम बोल रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी नहीं हुआ। फिर जो है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन में क्या है, जो हमारा जो आइडिया होता है उसको डिटेल में हम समझाते हैं कि कैसे करना है। जैसे दिल्ली वाले सोल्यूशन में था कि हम खुद ही ऐसी मशीन बनाएंगे कि हम उड़ के चले जाएंगे, तो आइडिया तो नोवल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कैटेगरी भी अलग है, लेकिन अब डिटेल वो मशीन कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कितना खर्चा आएगा, बनाना अभी पॉसिबल है, कब तक बनेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, डिज़ाइन क्या होगा उसका, तो ये सब इलेबोरेशन में हो गया। तो ये भी जो है उसमें देखा जाता है। फिर एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस टू प्री मेच्योर क्लोजर। इसमें क्या होता है कि हम जो है जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, हमें अगर मान लो चार पांच सॉल्यूशन किसी ने बताया, या हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन बताया और हमको तुरंत पसंद आ गया, हाँ ये अच्छा है, और हमने कहा हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। सो ये जो है प्री मेच्योर क्लोजर हो गया। और रेजिस्टेंस टू प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब क्या हुआ, कि हमको पहला आइडिया पसंद आ गया, हाँ बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए, लेकिन और भी आइडिया सुनते हैं, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ, तो जब तक पूरे आइडियाज़ ना आ जाएँ तब तक जो है डिसीजन नहीं लेना कि कौन सा जो है आइडिया सही है या इम्प्लीमेंट करना है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू प्री मेच्योर क्लोजर, कि हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं अपने निर्णय को लेने में, सब कुछ जब आइडियाज आ जाएंगे फिर हम जो है डिसीजन लेंगे। अगली चीज़ जो चेक होती है इसमें, वो होती है एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब है, जो हमने अभी बात की थी कि कुछ चीज़ें जो थिंकिंग जो है कॉन्क्रीट भी होती है, यानी कि परसेप्चुअल वाली, और हम कुछ जो है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है। तो जो कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट वाली जो थिंकिंग है वो जो है चेक की जाती है इसमें, यहाँ पे कि कोई आइडिया जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कितना है, कॉन्क्रीट लेवल पे जो है उसको लो माना जाता है क्रिएटिव थिंकिंग में, और जितना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा उसको हाई माना जाता है, तो ये भी चेक की जाती है।
तो इनके बेसिस पे जो है हम निर्णय लेते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग किसी की कैसी है। अब ये जो है एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव मतलब कोई इसका फिक्स्ड जो है रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। जब टेस्ट लेंगे तो मैं हो सकता है किसी आइडिया को जो है बड़ा नया मानूँ, कोई कहे कि ये नया आइडिया नहीं है, या मैं कहूँ कि ये आइडिया बहुत अच्छा, दूसरा कहे कि आइडिया बेकार है, प्रैक्टिकली नहीं है ये। तो ये डिपेंड करेगा हर व्यक्ति पे कि वो उसको कैसे लेता है। तो इसलिए जो इसमें इवैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हर कोई भी चेक कर लो जी इतना ही आएगा। जो हमने बात किया था ना कि जो एक ही सही आंसर होगा तो सभी का जो है इवैल्यूएशन एक ही होगा। जब एक आंसर से ज़्यादा पॉसिबल है तो फिर सब्जेक्टिविटी आ ही जाएगी। तो इसलिए जो है इसकी एक इशू ये है इस टेस्ट का कि इसका जो है इवैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग है इसलिए। सो इसी के साथ में जो है हमारा ये समाप्त होता है लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा और काम आया होगा आपके। तो मिलते हैं कुछ और लेक्चर के साथ में और वीडियोस के साथ में। बी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।